नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं मनीषा तिवारी। आइए चलते हैं एक खास खबर की ओर। बदमाशों को पकड़ने में रामपुर पुलिस नाकाम साबित हो रही, जो रामपुर पुलिस के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दरअसल पुलिस को नाकामी का सबूत देकर एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम लगातार इनामी बदमाशों को पकड़कर रामपुर के थानों को सुपुर्द कर रही है, जिसके चलते ही एक बार फिर एसटीएफ टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो एक साल से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरिफ पर करीब 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले 42 मुकदमे वाले बदमाश ताहिर को पकड़कर थाना गंज को सुपुर्द करा था। आज हमें विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 25,000 का इनामी अपराधी आरिफ डिंगरपुर कस्बे में मौजूद है, जो बिहार जाने वाला है। इस सूचना पर हमने एसआर पेट्रोल पंप पे दबिश देकर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। क्या-क्या उसमें मुकदमे दर्ज हैं सर? इस पे 28 मुकदमे हैं, जो 307 में वांछित चल रहा था, उस पर पुरस्कार घोषित कर दिया है। और कोई इसकी विशेष जानकारी? और तो अभी इससे पूछताछ की जा रही है, जो भी जानकारी आएगी वो बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।